ईशर आने को एल्विश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एल्विश के साथ अच्छे से रहेगी, एज अ दोस्त के जैसा ही रहेगी, फुकरा इंसान को बोलती हुई नजर आई। पर उसको तीन चीजें काफी ज्यादा बुरी लगी। रो रो के मनीषा अभी बाथरूम एरिया में आ चुकी है, फुकरा इंसान को बता रही है, फुकरा इंसान भी जो है बहुत अच्छे से मनीषा की बातें सुन रहे हैं। उसका कहना यह है कि देख मुझे बात बुरी लगी कि देख मैं उसको दोस्त मानती हूँ, वो हमेशा मेरा दोस्त रहेगा, बहुत अच्छा दोस्त रहेगा, और मतलब कि हम भी एक दोस्ती के नाते कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं, मस्ती मजाक सब चीज़ें करते रहते हैं, पर वो सामने से ऐसी ऐसी चीज़ें करेगा और लड़ाई भी किस बात की, उसने कल की बात उठा के अब बोला तो हमें बुरा लग गया, और बुरा इसलिए लगा क्योंकि जिया के सामने बोला और आई गिव अ फक ये बात बोला जो कि बोलना नहीं चाहिए था। और हम वहाँ से आ रहे थे तो पूजा जी के साथ जो है बातें कर रहा था, छोटी बच्ची ऐसा वैसा कुछ मेरे बारे में बात कर रहा था, तो तू उसको जाके ये बात बोल दे, उसको बात करनी है करे, नहीं करनी है मत करे, हम तो उसको दोस्त मानते हैं, दोस्त रहेंगे, पर मेरी बात और इस मैटर के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है बेबी का समझाती भी है, बोलती भी है कि भाई तुम्हारे बारे में वहाँ पे बात नहीं हो रही थी, पूजा जी को पता नहीं था, मैंने कुछ बातें बताई थी, वो वहाँ पर बातें कर रहे थे और कुछ नहीं है, और तुम ये अभी कुछ बात ही नहीं हुई, उसको बात को खींचो मत, अब छोड़ दो, तुम भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, नॉर्मल हो जाओ, जैसे थे ना वैसे हो जाओ। मनीषा बोल रही मैं तो नॉर्मल हूँ, अब मैं इस चीज़ को बढ़ाने वाली नहीं हूँ। यार मनीषा रानी एल्विश अभी इस चीज़ को बढ़ाओ मत। अभी एल्विश के फैंस है वो यही बात बोलेंगे कि एल्विश सही है, मनीषा के फैंस है वो यही बात बोलेंगे कि उसने कल की बात को उठा के यहाँ पर क्यों बोला। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर गलत है, दोनों ही यहाँ पर ऐसे ही हैं, एल्विश भी और मनीषा भी। मनीषा को भी इतना ओवर नहीं करना चाहिए, एल्विश को भी कल की बात उठा के अभी बोलनी नहीं चाहिए, जबकि मनीषा जो है सब चीज़ें भुला चुकी है और भुला के आगे बढ़ रही है। आपका क्या कहना है? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।